केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने टोक्यो 2020 के लिए भारतीय ओलंपिक टीम के लिए आधिकारिक थीम सॉन्ग लॉन्च किया। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में ओलंपिक दिवस के अवसर पर टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों की भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक थीम गीत का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सचिव भारत सरकार खेल मंत्रालय श्री रवि मित्तल, आईओए अध्यक्ष श्री नरेंद्र बत्रा और महासचिव श्री राजीव मेहता और डीजीसीआई श्री संदीप प्रधान और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। इस गाने को लोकप्रिय पार्श्व गायक मोहित चौहान ने संगीतबद्ध और गाया है और गीत उनकी पत्नी सुश्री प्रार्थना गहलोते ने लिखे हैं। थीम सॉन्ग को लॉन्च करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा, यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि है कि पूरे देश को टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले भारतीय एथलीटों का समर्थन करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए एक साथ आना चाहिए। आज आधिकारिक थीम सॉन्ग का लॉन्च उसी दिशा में एक कदम है। मोहित चौहान द्वारा रचित और गाया गया उच्च ऊर्जा गीत देश के लिए सर्वोच्च पोडियम पर गौरव लाने के हर एथलीट के सपने की भावना को समाहित करता है। खेल मंत्रालय ने क्विज, सेल्फी पॉइंट, वाद विवाद और ओलंपिक पर चर्चा जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी #Cheer4India अभियान शुरू किया है। मैं हर भारतीय से आग्रह करता हूं कि वह आगे आए और भारत के शीर्ष एथलीटों का उत्साह बढ़ाने के लिए इस आंदोलन में शामिल हों, क्योंकि उन्होंने भारत को गौरव दिलाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आईओए के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा ने कहा, थीम सॉन्ग के लॉन्च के साथ मैं चाहता हूं कि हमारे सभी एथलीट यह जानें, यह केवल एक प्रेरणादायक गीत नहीं है, यह आपके पीछे 1.4 अरब प्रार्थनाओं की गूंज है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और हमारे देश को गौरवान्वित करेंगे। लॉन्च समारोह में धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए आईओए के महासचिव श्री राजीव मेहता ने कहा, थीम सॉन्ग काफी प्रेरक है और मुझे उम्मीद है कि यह एथलीटों के लिए खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बहुत उत्साह और ऊर्जा लाएगा। आईओए की ओर से उन्होंने मोहित चौहान को भारतीय दल के लिए विस्मयकारी थीम सॉन्ग की रचना के लिए धन्यवाद दिया, जो टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। अब तक 15 विषयों के एथलीटों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और मैं उनसे जुड़ने की उम्मीद कर रहा हूँ। मेडल टैली के संदर्भ में हम एक समृद्ध गिनती को छोड़कर हैं, श्री मेहता ने निष्कर्ष निकाला। श्री मेहता ने पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद और ध्यान स्पोर्ट्स के साथ आईओए की साझेदारी की भी घोषणा की, ताकि सभी एथलीटों और टोक्यो में भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य के लिए पहनने योग्य ध्यान उपकरण प्रदान किया जा सके। टोक्यो में ओलंपिक विलेज में आइसोलेशन में रहने के दौरान एथलीटों को अपने दिमाग को फिट और खुश रखने में मदद करें।